जेल ढुकाए दिल के हेमंत सोरेन के तब ने अभी खड़ा हुए है कल्पना सोरेन कहिल ढुकाए दिल के लगेगा नहीं मिस्त्री जी भैया। और देखिए ये देखिए ये तस्वीर थोड़ा इस चीज को सोरेन के जाने है के हेमंत सोरेन के पत्नी। अच्छा तो ओकरा तो नहीं काहे वोट देबी कहे ना देबे हां कहे ना देबे काहे देबे ओकरा का कर देबे ककरा देबे उनके बड़ा बड़ा नेता के अभी झारखंड का सरकार है ना देबे के जीता देले है हेमंत सोरेन के जीता देले के बना देल के मुख्यमंत्री हमनी तो तुमने से खुद देंगे ठीक है को चार देंगे लेकिन फिर भी बीजेपी में नहीं ज्वाइन करेंगे। अच्छा आखिर क्यों किया और फिर लास्ट में विपक्ष में फिर खड़ा हो गया वो विपक्ष में खड़ा हो गया आखिर क्यों जब आदिवासी के साथ आदिवासी जब विपक्ष में आप खड़ा हो जाते हैं तो आप कौन है जोहर। फिर मैं चुनावी सफर में मैं आ चुका हूँ गांडे विधानसभा क्षेत्र और ये बेंगाबाद प्रखंड का एरिया है। देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में काम चल रहा है। हालांकि ये क्या चीज़ है अपना घर है या क्या बन रहा है हम जानने का प्रयास करेंगे और मैं ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि गांडे विधानसभा को लेके क्या कुछ खबरें हैं ये भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। इन्हीं से राय लेता हूं। यही जनता है यही जो आप देख रहे हैं कि ईंटा उठा रही है दीदी मजदूरी टाइप में यही वो जनता है। हालांकि मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं। दीदी जोहार दीदी जोहार बोलने जोहार की नाम भेलो। अच्छा ई तोर अपन घर कौन के घर अपन घर को हाँ। सरकार दले हो तो अपने से बनाए करो सरकार दले कौन सी नाम है योजना के हाँ? कौन सी नाम अबुआ आवास अबुआ आवास दीदी का अबुआ आवास हमरा को मिला है आपको जी हाँ। नाम से बुधनी हेमरम बुधनी हेमरम के नाम से अबुआ आवास है। थोड़ा अबुआ आवास के पास मैं पहुंच चुका हूं और घर की तस्वीर देखिए गरीब लोगों के लिए ही अबुआ आवास। जब 2020 में पीएम आवास जब बंद हो गया था तो अबुआ आवास चालू किया गया ताकि इन जैसे गरीबों को मिल सके और ये अबुआ आवास देखिए कितना दो कमरे का मकान है। सबसे पहले ये चीज मैं दिखाऊंगा। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाइए एक कमरा दो कमरा तीन कमरा एक चार कमरा बीच में है और एक किचन बाथरूम बनेगा दो गो रूम बनेगा। ये दो कमरे का मकान है जो बहुत ही सुंदर मकान कह सकते हैं। ये अबुआ आवास ये अबुआ योजना जो ग्रामीण आम जनता के लिए बनाया गया है। हालांकि जानने का प्रयास करते दीदी इस बार चुनाव हो रहा लो तुर गांडे में तो इस बार कने हवा जल चल है ओहे हेमंत सोरेन के पास हेमंत सोरेन पास हवा चल थी कल्पना सोरेन जी हाँ कल्पना सोरेन के जाना है के हेमंत सोरेन के पत्नी। अच्छा तो ओकरा तो नहीं काहे वोट देबी कहे ना देबे हां कहे ना देबे काहे देबे ओकरा ककर देबे ककरा देबे उनके बड़ा बड़ा नेता के अभी झारखंड का सरकार है ना देबे। अच्छा तो नहीं बड़ा नेता झारखंड सरकार को जी अबुआ आवाज देले तही बोलो है की हां की ओटे से पहले से ओटे में देले ही पहले भी देले तब के जीता देले हेमंत सोरेन ओ तोहनी जीते लए ओकरा के जीता देले के बना देल के मुख्यमंत्री हमनी तो सही से तो देल के जेल ढुकाए देल के हेमंत सोरेन के तब ने अभी खड़ा हुए है कल्पना सोरेन कहिल ढुकाए देल के हां के घुसेल के जेल के घुसेल के हना के पर वहां लेकिन जेल घुसा जेल घुसा देल के तब सही से तो कल्पना सोरेन अभी खड़ा हुए है हां नहीं तो नहीं सरकार बनाए गेले देखि हेमंत सोरेन फोर देखि उ जेल में चल गेले फिर जेल में चल गेले तो फिर अभी कल्पना सोरेन के तो इस बार वोट कर भी जीतते हां ना जीतते गांडे से गांडे विधानसभा से जिता लेबे जिता देबे जिता देबे माने फिर ओकरा मुख्यमंत्री बना देबे बना देबे फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे उनको जिता देंगे। हालांकि ये दीदी का कहना था अबू आवास इनको मिला हुआ है बाकी और लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करें। भैया भागिएगा नहीं मिस्त्री जी भैया। और देखिए ये देखिए ये तस्वीर थोड़ा इस चीज़ को देखने का प्रयास करिए यही है असली जनता यही है लोकतंत्र। तस्वीर में स्पष्ट देखिए का नाम हो सुरेश हरदा तोर घर बन रहा लोकी नया भोजी का। अच्छा तो यहाँ मजदूरी कर रही हाँ। इस बार गांडे की हवा है ये क्या हाँ? कल्पना का है वो तो सबको ये बाप दादा से है ना बाप दादा से कल्पना सोरेन ही हाँ, पार्टी से हाँ। शिबू सोरेन के जाना ही हाँ, नहीं तो नहीं हाँ, हाँ, हाँ। इस बार वोट ओकरे कर भी ओकरे। अच्छा तो बड़ा नेता के को
हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, तोरा योजना मिल लो अबुआ आवास? मिला है। तोरा मिला लो? हाँ, हमारे भौजी के मिले। अच्छा, तोर भौजी के मिले। इनके भाभी को अबुआ आवास मिला, देखिए कितना खुश है। और इस बार वोट ककरा करबी? कल्पना। कल्पना के वोट करते, कल्पना ही कल्पना गांडे में। बस सुन लीजिए ध्यान से, हमारे जितने भी जनता जनार्दन है ध्यान से सुनिए, गांडे विधानसभा में इस बार कल्पना ही कल्पना। जनता का सीधा संदेश है कि कल्पना ही कल्पना रहेगा। बाकी और लोग हैं जानते हैं, और लोगों से जानते हैं क्या कुछ है। दीदी भी यहाँ बैठी हुई है। दीदी, इस बार गांडे का क्या हवा रहेगा? हवा तो ठीक है हम लोग का, मतलब आप लोग का ठीक है। हाँ। राजनीतिक का जो हवा चल रहा है वो राजनीतिक हवा किधर चलेगा इस बार? भाजपा, जेएमएम? जेएमएम में चलेगा। जेएमएम चलेगा? हाँ। और भाजपा में? नहीं, हम लोग को नहीं देंगे। तो बोल रहे हैं कि यहाँ फूल खिलेगा? नहीं, तो यहाँ नहीं खिलेगा फूल। यहाँ तीर चलेगा? हाँ। माने फूल में तीर चलेगा? नहीं। कल्पना सोरेन को आप लोग जिता दीजिएगा? हाँ, जिता देंगे। आप लोग का बड़ा नेता कौन है? मुख्यमंत्री। बड़ा नेता कौन है आप लोग आदिवासी में? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन? हाँ। बाबूलाल मरांडी? ओ नहीं, हम लोग का वो आपके नेता नहीं है? नहीं, हेमंत सोरेन ही है। हाँ, तो वही है। वो अभी जेल में है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो है कल्पना, मतलब उसके जगह पे कल्पना है। कल्पना है, वो देख लेगी हम लोग को। मतलब वो देख लेगी? उतना भरोसा कल्पना पे है आपको? हाँ, हम लोग का है। पूरा भरोसा करती है? मतलब महिला है इसीलिए या ऐसे ही? ऐसे ही हम लोग का वो पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है कल्पना सोरेन पे। कल्पना सोरेन जी, तस्वीर देखिए आपके, एक बहुत बड़े भरोसेमंद जनता। अगर वो आपसे, आप उनसे मिलना चाहें, चाहेंगे मिलना कल्पना से? हाँ, हाँ, तो आपसे मिलना चाह रही हैं। थोड़ा यहाँ आइएगा कभी। ये कौन सा गांव है? तिलेबुना गांव। तिलेबुना गांव अगर आइएगा तो इनसे ज़रूर मिलिएगा। बाकी और लोग से जानते हैं थोड़ा सा। एक और चाचा, आप की नाम हो लो तुर? हाँ, शिवू सोरेन। हाँ, तो सच में शिवू सोरेन नाम? अरे पूछ ले, पूछ ले। तो शिवू सोरेन से भेंट कर ले लें? दिशम गुरु की जाना है? अमर भाई है। तुर भाई को? अरे कल्पना सोरेन? अमर पुतु है। तुर पुतो को? शिवू सोरेन से मिला नहीं कभी? यार बहुत देगा भाई, एक पेट से निकला ली हो। एक पेट से निकला, मतलब कि? अच्छा, तो नहीं वोट ककरा कर रहे हैं? वोट देखे हम भी अभी हेमंत सोरेन चल गए कि जेल में? जेल में। हाँ, अभी कल्पना सोरेन खड़ा हुआ विधानसभा में। हाँ, विधानसभा में। हाँ, ठीक। तो हम कहिए विधानसभा में जब हम आदिवासी खड़ा हो गए तो कल्पना सोरेन से दूसरा आदमी हम वोट तो दिए वाला नहीं। हाँ, कल्पना सोरेन के ही देवी। हाँ, तो हनी तीर धनुष में दो ही फूल पहले दे तो रोली या फूल छाप में? पहले एक बेर दिले फूल छाप, इसके बाद तो कल्पना। उसका तो देख लिया बहुत आदमी। देखिए फूल छाप ककर घरी दले ले? ककर घरी दले? फर्स्टे बार जहाँ जीता लो तखने फर्स्टे ककरा के को नरेंद्र मोदी तखने दले ले जीतला के बाद? अबरी दबी की अभी कह देवे वो देखे कर रही हो बहुत आदमी। बोल बक्सा में पैसा आयो से गंगा में 5% ना बोलो से लाखों करोड़ों करोड़ टका बहा दिल के बहल के जब जे नरेंद्र मोदी पैसा बंद कर को तकनी के बोल को नरेंद्र बंद कर को तब अभी वोटा ककरा देबी? मोदी के देबी ने ककरा देबी? मोदी देबे ने कर मोदी ना देबी काहे पैसा बहा दल को? पैसा बहा दल को मोदी के ना दे तो ये वोट। बाकी और भी जनता जनार्दन है जान लेते हैं। एक और है, बाकी कई लोग हैं फिर भी राय हम जानने का प्रयास करते हैं। जब चुनावी सफर में निकले हैं तो सफर में जानना जरूरी है कि जनता का क्या राय है। और विधानसभा चुनाव जो हॉटेस्ट सीट है पूरे देश का, ये गांडे विधानसभा सीट पूरा हॉट सीट है। और इसके लिए कल्पना सोरेन के लिए पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने यहाँ से इस्तीफा दिए थे। उसके बाद से चुनाव की सरगर्मी भी तेज हुई, राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हुई, मौसम का भी तापमान बढ़ा, चुनाव का भी तापमान बढ़ा। क्या भैया, इस बार तापमान किधर रहेगा? तापमान तो अभी तो पूरा रेस में आ रहा है। रेस में? हाँ। क्या मैंने किधर रहेगा? कल्पना, कल्पना सोरेन को? कल्पना ही कल्पना? कल्पना ही कल्पना? मैंने गांडे विधानसभा में कल्पना ही कल्पना? कल्पना, कल्पना। की नाम तो? रुपेश हांसदा। रुपेश हांसदा, मतलब ऐसा क्या है कल्पना सोरेन में जो आप लोग कल्पना ही कल्पना कर रहे हैं? आप देखिएगा तो ऊपर से नीचे तक तो
उतना उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पा रही है, लंबा हो जाएगा। हाँ लंबा हो जाएगा। हम लोग के यहाँ जैसे कल्पना किसके है, हेमंत सोरेन का है। हाँ ठीक। हाँ उसका पिताजी कौन था? शिबू सोरेन था। हाँ ठीक। तो शिबू सोरेन हम लोग ने सपोर्ट किया है और हम लोग ने वो बचाया है। अच्छा ठीक है। तो किसको दे? अच्छा इसीलिए उसको दीजिए। हाँ उसको देंगे। आप लोग का बड़ा नेता कौन? हेमंत सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री। वो तो था बबूला मरांडी। अच्छा वो कहाँ है अभी? थोड़े है वो, तो कुतुब मीनार से कूदने वाला है, थूक को चढ़ने वाला है, उसको नेता कैसे मानेंगे? उसको नेता नहीं मानते आदिवासी। काहे? मैंने आप लोग नहीं पहले मानते थे या नहीं मानते? इधर सुनिए ना। हाँ। मानते थे। हाँ। लेकिन जब वो जब अपना पार्टी अलग किया। हाँ। ठीक है। हाँ। इसके बाद वो बोला कि हम अगर कुतुब मीनार से कूद देंगे, ठीक है, थूक को चाट देंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी में नहीं ज्वाइन करेंगे। अच्छा आखिर क्यों किया? और फिर लास्ट में विपक्ष में फिर खड़ा हो गया। वो विपक्ष में खड़ा हो गया। विपक्ष में खड़ा हो गया आखिर क्यों? जब आदिवासी के साथ आदिवासी जब विपक्ष में आप खड़ा हो जाते हैं। हाँ। तो आप कौन है? मैंने नेता नहीं है। नहीं है बस। मतलब इस बार गांडे में सिर्फ कल्पना ही कल्पना, कल्पना ही कल्पना है, कल्पना ही कल्पना चलेगा, सफर जारी रहेगा। अभी और है 50 दिन समय बचा हुआ और ये इन दिनों में ना जाने कितनी तस्वीर आएगी, बाकी दिखाता रहूँगा। मेरा काम है दिखाना और आप जनता जनार्दन बस सहयोग इसी तरह करते रहिए, बनाए रखिए सहयोग। देखिए क्या कुछ होता है गांडे में, सारी खबर आपको दूंगा और सबसे पहले अपडेट भी रहूँगा, आप तक पहुँचेगी। दीजिए इस कड़ी में इजाज़त। जोहार, आप सबों को भी जोहार।